तो दोस्तों आज मैं आपको एक स्पेशल सब्जी दिखाने जा रहा हूँ जो कि पहाड़ों में ही पाई जाती है आमतौर से। तो इसको हम बोलते हैं मिठा करेला। वो सब्जी है इधर लगी हुई है, केले के पेड़ में उसकी बेल गई हुई है। तो दोस्तों ये है इसकी बेल और ये है इसका ये सब्जी, फल कह लो सब्जी कह लो, ये है। तो दोस्तों ये होते हैं इस तरह से होता है कुछ, और इसको हम करेला ही बोलते हैं और मीठा करेला बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कड़वा नहीं होता है और इसको हम कच्चा भी खा लेते हैं और वैसे इसकी सब्जी बनती है, पका कर खाते हैं। तो इसके अंदर तो दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर से ऐसे बीज निकलते हैं और ये जो बीज हैं पकने के बाद काले हो जाते हैं, जब ये पक्का हो जाएगा तो काले हो जाएंगे और ये ऐसा निकलता है, इसको बोलते हैं हम इसकी जीभ। तो इसको निकाल देते हैं और इन बीजों को भी निकाल देते हैं और उसके बाद इसको ऐसे ही इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो दोस्तों ये होता है मीठा करेला और इसको कई जगह परवल भी बोलते हैं, परमल बोलते हैं शायद, कई जगह इसको परमल भी बोलते हैं। आमतौर पर मीठा करेला ही हम इसको बोलते हैं और इस पर ये कांटे भी होते हैं, थोड़े थोड़े चुभते भी हैं हाथों। तो दोस्तों कुछ इतने निकले और ये सीजन के पहले परवल हैं, परमल या मीठा करेला, और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़वे वाले करेले भी हैं। और इस तरह के करेले मेरे हिसाब से शायद पहाड़ों में ही होते हैं, और अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हैं आपके यहाँ भी होती हैं इस तरह की सब्जी तो ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों बताना इस सब्जी में आपको कौन सा जानवर नज़र आ रहा था। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो और ये सब्जी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।